सिंगरौली जिले में नशे के विरुद्ध जारी अभियान में मोरवा पुलिस ने एक और गांजा तस्कर को 4 किलोग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया। एएसपी अभिजीत रंजन के निर्देश पर टीआई नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने ग्राम पेड़ताली के होकर ग्रामीण अन्य ग्रामीण अंचलों में बेचने का जा रहे अनिल कुमार पुत्र राम निवास वैश्य निवासी खिरवा की घेरेबंदी करते हुए गिरफ्त में लेते हुए तलाशी ली, जिसमें 4 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी अनिल के विरुद्ध NDPS एक्ट की धारा 820 के तहत मामला दर्ज कर चालान किया गया, जहां न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। इस कार्यवाही में विनय शुक्ला, प्रधान आरक्षक राजेश सिंह, आरक्षक रवि गोस्वामी, राहुल सिंह, विवेक सिंह, नरेंद्र यादव, नागर सैनिक राम शिवा विश्वकर्मा शामिल रहे। जी हां, हमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति 45 तरफ से गांव खिरवा की तरफ गांजा लेकर बिक्री हेतु जा रहा है। तो मुखबिर सूचना से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। उसके बाद एक टीम गठित की गई। टीम गठित करने के बाद मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी गई, जिसके बाद आरोपी को घेराबंदी करके पकड़ा गया और उसकी तलाशी ली गई, जिसके पास से लगभग एक प्लास्टिक की बोरी में 4 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 40,000 रुपये बताई जा रही है। उसके बाद मौके पर ही 8/20 बी NDPS एक्ट की कार्यवाही की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया और मामले सदन में भी विवेचना चल रही है। उसके बाद विवेचना जारी है।